बोला कि नहीं हो पाएगा, पापा से बोला पापा तो वापस चले जाओ, लेकिन एक एक चांस खुद को देना चाहिए। वो अवार्ड सेरेमनी देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट। बीच में ब्रेक्स होते थे टाइम टू टाइम, कोई इशू नहीं होता था। उसके साथ साथ हम सारे फेस्टिवल्स भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी एक अमेजिंग फैक्टर है। और सर के गाइडेंस में पढ़ना मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस जीरो होता है। इंडिविजुलेटर्स का डिस्टर्बेंस था, अच्छा परसेंटाइल था, 99.95%। लेकिन एक चांस मुझे खुद को देना था कि लाइफ लॉन्ग रिग्रेट ना रह जाए कि एक बार ट्राई भी नहीं किया। सर जो बोल रहे हैं आप ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि ये एक साल के जर्नी में आप इतना सब कुछ सीखोगे कि कॉलेज अगर आपको आपके मन का ना भी मिले, टेस्टिंग तो फैबुलस होता है। मॉक टेस्ट में हमें आइडिया तो मिल गया था कि हाँ कुछ भी हो सकता है एग्जाम। तो बोली कि पापा हमको भोपाल लेके चलिए सर के पास, आपसे बात करके महसूस हुआ कि एक पेरेंट्स ही यहाँ पे हैं। चलिए एक और निमसेट की टॉपर से मिलते हैं, शिविका से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 322 है, जो कि वेस्ट बंगाल से है और इन्होंने क्लासरूम में आके ट्रेनिंग ली। तो सबसे पहले शिविका आपको 322 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनको भोपाल मैनेट अलॉट हुआ है, अब ये मैनेट ज्वाइन भी करने वाली है। तो अब आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगी लाइफ में, जो जो चीज़ें इन्होंने फेस की, कोलकाता से आके भोपाल में पढ़ाई करना, कल्चर अलग अलग होता है, कई कई चीज़ें फेस की होंगी। तो शिविका सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका जो इंटायर एक्सपीरियंस है भोपाल का वो भी, और किस ढंग से पढ़ाई की, ये रैंक जो आपने अचीव की वो, एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या एक्सपीरियंस था, मैं चाहूँगा सारी चीज़ें डिटेल में बताओ। हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट करूँगी जिस दिन से मैं यहाँ पे आई थी। लास्ट ईयर 3 जुलाई को मैंने भोपाल में आया, फिर उसके बाद 4 जुलाई को सर से मिली, एंड उस दिन एडमिशन लिया, सब कुछ ठीक था। फिर हॉस्टल गई, हॉस्टल चूज़ किया, हॉस्टल का थोड़ा इशू था, मैंने गलत हॉस्टल ले लिया था। रात भर स्ट्रगल करने के बाद नेक्स्ट डे मैं आई, बोला कि नहीं हो पाएगा, पापा से बोला, पापा का ऐसा था कि मेरा डिसीजन जो भी है वही फाइनल डिसीजन है, तो वो भी रेडी हो गए। बट उनके मन में भी था कि ऐसे गिव अप नहीं करने देना चाहिए, इसलिए वो मुझे सर के पास लेके आए। सर से बात हुआ तो सर ने बोला कि एटलीस्ट एक मंथ मैं ट्राई करूँ, उसके बाद जो भी होगा, अगर नहीं कर पा रही यहाँ पे तो वापस चले जाओ, लेकिन एक एक चांस खुद को देना चाहिए। इसलिए मैं रुकी यहाँ पे, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अगले दिन अवार्ड सेरेमनी था 2023 बैच का। वो अवार्ड सेरेमनी देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट। तो फिर इसलिए उस दिन के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन चालू किया। एक बार भी ये थॉट नहीं लाया कि नहीं वापस जाना है या कुछ भी। फिर अच्छे से प्रिपरेशन चालू किया, रोज़ सुबह 8 बजे आके पढ़ाई करना। फिर बीच में ब्रेक्स होते थे टाइम टू टाइम, कोई इशू नहीं होता, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्रॉपर शेड्यूल सब कुछ मिलता है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता था। रात को पढ़ाई करके जाना, ये सब अच्छे से हुआ। उसके साथ साथ हम सारे फेस्टिवल्स भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी एक अमेजिंग फैक्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर हमें दिया जा रहा है कि नहीं सुबह आना है, रात को ही जाना, नहीं, सब कुछ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ऊपर से सर के गाइडेंस में पढ़ना मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस ज़ीरो होता है। आपको कुछ भी इशू होगा आप तुरंत जाके सर से बात कर सकते हो, तो फिर ऐसा होता है कि आप फैमिली मेम्बर के साथ ही हो, तो वो सारी चीज़ें सब अच्छी थी। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, फुल्ली प्रिपेयर्ड, कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ सही था। बट एग्ज़ाम हॉल का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब था। इनविजिलेटर्स का डिस्टर्बेंस था वहाँ पे, मेरे फेस पे उन लोगों ने कूलर चला के रखा था, मैं बोल रही थी मैम डिस्टर्ब हो रहा है, बट वो सारी चीज़ें उन्होंने सुनी नहीं, नेगलेक्ट की, बोले कि तुम एक मेरे वजह से सबको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए नहीं सुना। फिर उसके अलावा कंटिन्यूसली वो बात कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें थी जो डिस्टर्ब किया मेरा एक्सपी मतलब एग्ज़ाम हॉल का थोड़ा परफॉर्मेंस। बट ओवरऑल ठीक है, आई एम हैप्पी, मुझे जो भी मिला मैंने 322 रैंक अचीव किया है, बाकी सब तो सही है। तो बिल्कुल अभी सही आपने एक्सपीरियंस बताया, बिल्कुल सच बात है कि ये पहले तो वापस लौटने वाली थी, पूरी तैयारी थी, पर पापा का भी मन था कि पढ़ाई करे, मदर ने तो बोल दिया था आ जाओ बिल्कुल छोड़ के मत आना, पर ये रुकी भोपाल, फिर मेरे से बात हुई, फाइनली रुकी। और मैं हमेशा मानता हूँ लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसको एकदम से छोड़ने की जगह फेस करना। अब आपने ये जो फेस किया ना, अब आपकी लाइफ में आगे कभी भी कुछ होगा ना, आपको ये टाइम जो है, क्योंकि अभी आप जॉब करने जाओगे पता नहीं कौन सी सिटी में, हो सकता है दूसरी कंट्री में भी जाओ,
तो ये सब सिचुएशन आएंगे, पर आपको ये जो टाइम है ना ये याद आती है, आप बोलोगे अरे कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और ये भी सच है कि जब ये निमसेट का पेपर दे रही थी तो जिस बेंच पे बैठी थी वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, कुछ सेकंड कुछ मिनट खराब भी हुए, पर फिर भी उसके बाद पेपर संभाला। देखो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जो भोपाल आने के बाद का एक्सपीरियंस था, वैसे ही पेपर के समय तो वही एक्सपीरियंस फिर से मिला, बट क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंड था कि नहीं करना है, और अल्टीमेटली पेपर को हैंडल वापस करा और कितनी अच्छी रैंक लेके आई। अच्छा आपने ड्रॉप लिया था, तो ड्रॉप का पहले तो डिसीजन लेने के पहले मन में क्या थॉट था, और ड्रॉप लेने का इंटायर ईयर आपको ड्रॉप को लेके कोई स्ट्रेस हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कई बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका पर्सनल उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि लास्ट ईयर मैंने महाराष्ट्र सीईटी दिया था, जिसमें मेरा अच्छा परसेंटाइल था, 99.95% मुझे कॉलेज मिल रहा था, बट मैंने निमसेट भी दिया था, निमसेट में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो मेरे मन में ये तो था कि हाँ सेफ साइड हूँ, अगर इस साल महाराष्ट्र सीईटी निकाला है तो नेक्स्ट ईयर भी रहेगा, कोई चांस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। तो लेकिन एक चांस मुझे खुद को देना था कि लाइफ लॉन्ग रिग्रेट ना रह जाए कि एक बार ट्राई भी नहीं किया। इस फैक्ट के वजह से मैंने किया, डिसाइड किया कि नहीं एक साल देना है, उसके बाद जो भी होगा करेंगे, देख लेंगे। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि आपने अपने आप को एक साल का मौका दिया, और मैं भी मानता हूँ ऐसा देना ही चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि जब कोलकाता से आप भोपाल आए तो हॉस्टल के बाद यहाँ पे खाना वेदर इन सब में भी कुछ स्ट्रगल हुआ आपको? खाना तो पर्टिकुलरली इस जिस हॉस्टल में मैंने लिया था उस हॉस्टल की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, वैसे तो बाकी हॉस्टल में जो दूसरा हॉस्टल था वहाँ सब सही था। अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और वो उन गर्ल्स को स्पेशली जो कई बार निकलने से डरती हैं या ड्रॉप लेने से डरती हैं, उनके लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है? जूनियर्स को मेरा एक मैसेज है कि सर जो बोल रहे हैं आप ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि उनका गाइडेंस बेस्ट है, वो कभी भी आपको गलत नहीं बोलेंगे, वो जो बोल रहे हैं आप शांति से सुनिए फॉलो करिए। एंड ड्रॉप लेने के लिए तो मैं बोलूँगी कि गर्ल्स को भी कि आप एक बार अगर फैमिली नहीं मान रही तो आप एक बार उनको समझाओ, कन्विंस करो, आप अपनी बात बोलो। जो सीनियर्स जो उन्होंने निकाला है, जिन गर्ल्स ने आप निकाले हैं रैंक्स, कॉलेज मिला है उन्हें, उनके वीडियोस दिखाओ आप, तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली समझेगी कि नहीं हाँ अब चेंज हो रहा है, वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, तो ऐसा नहीं है वो घर के अंदर ही वैसे रह जाना रिजर्व, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा पढ़ने के लिए या फिर किसी और रीज़न से। तो एक चांस दो, फैमिली को मनाओ, और ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, फाइनल रिजल्ट अच्छा ही होगा। ये एक साल के जर्नी में आप इतना सब कुछ सीखोगे कि कॉलेज अगर आपको आपके मन का ना भी मिले फिर भी आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। और इम्पीटस गुरुकुल लें, और इम्पीटस गुरुकुल के मटेरियल टेस्टिंग में आपका किस क्या उसका ओपिनियन है, आपका कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस? सर टेस्टिंग तो फैबुलस होता है, मॉक टेस्ट में हमें हर तरह के काफ़ी बार बहुत इजी पेपर्स भी मिलते थे जिसमें हमारे स्कोर 700-800 तक चले जाते थे, तो काफ़ी बार इतने टफ पेपर्स भी मिल जाते थे कि 300 भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। तो वो सारे एक्सपीरियंस, जैसा कि हमारे एग्ज़ाम भी कोई एक फिक्स पैटर्न पे नहीं चलता, जैसे 23-24 का पेपर बहुत डिफरेंट था, 22 का बहुत डिफरेंट था, तो वो पेपर में कुछ भी हो सकता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आप जो मॉक देते हो वो एनवायरनमेंट भी आपको प्रॉपर एग्जाम हॉल वाला ही मिलेगा, जो डिस्टर्बेंसेस पॉसिबल डिस्टर्बेंसेस हो सकती थी एग्जाम हॉल में वो सब कुछ यहाँ पे हमें एक बार आइडिया तो मिल गया था कि हाँ कुछ भी हो सकता है एग्जाम हॉल में। बिल्कुल सही है। तो शिविका अब आपको, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी में आप नहीं आ पाई थी, और अभी पापा आए जिन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया, वो हर बार वही लेके आए थे आपको, राजवी कॉलेज ज्वाइन करवाने के लिए आए, तो मैं चाहूँगा एक तो वो भी आए, और ये जो अवार्ड है आपको मैं आप दूंगा, आपको इस अवार्ड को हमेशा संभाल कर रखना, और अब लाइफ में ऐसे बड़े बड़े अवार्ड अचीव करना है आपको। प्लीज़ सर, सबसे पहले ये अवार्ड आपके लिए सर, ये गिफ्ट छोटी सी, ऑल द बेस्ट सर। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तो अब आपने लेके आए थे बिटिया को, फिर आपने मेरी बात करवाई, साल भर बहुत मेहनत की इसने, नो डाउट, पर आपका खुद का अनुभव बताइए कि कैसा रहा, और क्योंकि एक साल नहीं रही वो भी एक था, और पूरे साल इसने क्या क्या चीज़ें फेस की, या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर ये पहले तो एक साल तो आपका ऑनलाइन कोचिंग की, उसमें ये मेहनत बहुत की लेकिन ठीक नहीं कर पाई, तो हमको बोली कि पापा हमको भोपाल लेके चलिए सर के पास, वहाँ ऑनलाइन नहीं अब वहाँ डायरेक्ट कोचिंग करेंगे।
मेरे और भी 3 बच्चे तो बाहर पढ़े थे, इसलिए हमको उतना दिक्कत नहीं हुआ स्कूल आने में। लेकिन 20 साल के बाद पहली बार छोटी थी सबसे, इसको छोड़ने में तो बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन जब आपके पास आए, आपसे बात करके महसूस हुआ कि एक पेरेंट्स ही यहाँ पे हैं कि जो कि बच्चों को ध्यान देंगे, और यही सोच करके इसको यहाँ छोड़े। इसकी मम्मी तो एकदम परेशान हो गई थी, रोने लगी कि नहीं नहीं हम नहीं रहेंगे यहाँ, खाना पीना ठीक नहीं है, ऐसे रहेंगे, हम ऑनलाइन ही क्लासेस करेंगे। फिर इसको हम समझाएं, समझाने के बाद लास्ट में हम सोचे कि एक बार सर से मिलकर के शायद वो समझाएं, ये समझ जाए नहीं आगे चल के कैसे करेगी, यही सोच करके। और आप यहाँ समझ लीजिए कि आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, और एकदम निश्चिंत होकर के हम घर में पड़े थे। वहाँ एक पेरेंट्स है, जब जो ज़रूरत हुआ फीस वगैरह हर चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आपने एक वर्ड बोला है वो बिल्कुल सच है कि मेरे लिए बच्चे मेरे बच्चे होते हैं, मैं इनको बच्चे ही बोलता हूँ, मेरी बिटिया ही है। मैं अपने हर बच्चे में यही देखता हूँ कि मेरे बच्चे, इनको जो बेस्ट दिया जा सके वो दूँ, और जब ये अपने पेरेंट्स के पास आए तो ये दूसरी जगह इनको ऐसी मिले, इसलिए मैंने इसका नाम भी गुरुकुल रखा हुआ। तो आपको बहुत बहुत बधाई, अब ये बहुत कुछ अच्छा करेंगे आगे। आपको है सर, थैंक यू सर।